हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। जैसे कि आप लोगों सेल लाइफ चल रही है और अभी बहुत सारे लोगों ने आईफोन ख़रीदा है और बहुत सारे कुछ ख़रीदा, फ़ोन वगैरह, आईफोन वगैरह। तो आज हम कुछ ऐसे बात करने वाले हैं, मतलब जिन लोगों ने नया नया आईफोन ख़रीदा या फिर जो अपने पुराने आईफोन से नए आईफोन में अपग्रेड किया है, तो उन लोगों को मतलब क्या क्या एक्सेसरीज खरीदना पड़ेगा आईफोन, क्या मतलब जैसे चार्जर हो गया, टेम्पर्ड ग्लास हो गया, बैक कवर हो गया, सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो को एकदम स्किप मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तो आपका बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने भी कोई इस सेल में आईफोन खरीद लिया है या फिर खरीदने वाले हो तो जल्दी से खरीद लो, क्योंकि ये सेल 10 तारीख तक चलेगा, उसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो जल्दी से खरीद लो और अपना मनपसंद आईफोन को उठा लो। और मैं जैसे बोला था कि मतलब जब प्राइम मेंबरशिप के लिए सेल आया था तब प्राइस कुछ ज़्यादा ड्रॉप हुआ था, और जब नॉन प्राइम सबके लिए सेल स्टार्ट हो गया तो मतलब 1,000 रुपये बढ़ गया था। चाहे आप आईफोन 12 मिनी ले लो या फिर आईफोन 12 ले लो, अभी उसका प्राइस देख सकते हो 1-2 हज़ार रुपये बढ़ चुका है आईफोन 12 मिनी का। तो मतलब अभी भी बेस्ट प्राइस है, ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ गया तो बुरा है नहीं ले सकते, अभी भी बेस्ट प्राइस है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। तो आप लोग जल्दी से ले लो, और आप लोग कन्फ्यूजन हो कि आईफोन 12 मिनी ले या फिर आईफोन 11 ले, तो उसका वीडियो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, उसका वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अब वो वीडियो देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने कुछ मतलब आप लोगों ने अगर नया आईफोन खरीद लिया है तो आप लोगों को आईफोन खरीदने के बाद क्या क्या एक्सेसरीज खरीदना पड़ेगा, तो उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्जर। तो चार्जर तो आता नहीं है अभी बॉक्स के साथ, आप कोई भी आईफोन ले लो तो आपको सबसे पहले चाहिए चार्जर। और अभी जो लेटेस्ट आईफोन के साथ लाइटनिंग टू सी टाइप चार्जर मिलता है, तो आपको फिर सी टाइप एडाप्टर ही खरीदना पड़ेगा। आप जिन लोगों के पास पुराना चार्जर है वो लोग तो यूज़ कर सकते हैं, और जो लोगों के पास नहीं है या फिर जो लोग न्यू न्यू आईफोन खरीदा है, एंड्रॉइड से फर्स्ट टाइम आईओएस में शिफ्ट हुआ है, तो उन लोगों को बता देता हूँ क्या चार्जर आपको लेना चाहिए, 5 वाट की, 12 वाट की या फिर 20 वाट की। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग अगर 12 वाट की ये लेती हो तो इसमें आपको USB-A सपोर्ट मिलेगा, जबकि आपको बॉक्स में जो केबल मिलते हैं टाइप सी का मिलता है, तो मतलब इसमें आप लगा नहीं सकते, फिर टाइप ए वाला खरीदना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला केबल खरीदना पड़ेगा। और ये वाला केबल आपको 646 का मिल जाएगा, मतलब एडाप्टर भी खरीदो, एडाप्टर 1700 के आसपास है, फिर ये केबल भी खरीदो, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, मतलब दो चीज़ अलग से खरीदना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग सीधा 20 वाट में जाओ, 20 वाट में आपको सी टाइप भी मिल जाएगा, जो आपको बॉक्स में केबल मिल रहा है वो आप इसमें लगा कर काम चला सकते हो। और इसका प्राइस भी 1800 का एप्पल का है, मतलब 1800 रुपये देकर आप ये अडाप्टर ले सकते हो, और अलग से केबल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो बॉक्स में इंक्लूड है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फास्ट चार्जिंग से बैटरी हेल्थ जल्दी कम हो जाती है। हाँ, मानक जो 5 वाट के अगर आप चार्ज करोगे उसके कंपेयरिंग में 20 वाट का मतलब जल्दी बैटरी हेल्थ कम होती है, लेकिन अगर आप लोग सही से चार्जिंग करोगे तो कम नहीं होगा। तो जैसे कि मान के चलिए आपने चार्जिंग में लगा 20 वाट चार्जर के साथ, आप कुछ देर बाद आप चेक करिए, अगर आपका फ़ोन गर्म हो रहा है तो आप लोग उसको चार्जिंग ऑफ कर दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर आप चार्जिंग को कंटिन्यू कीजिए। तो ऐसा करके आप चार्जिंग करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, आपका फ़ोन हीट हो रहा है फिर भी आप चार्जिंग करे जा रहे हो, फिर उससे आपकी बैटरी में डैमेज पड़ेगा, फिर आपका बैटरी हेल्थ कम होगा। तो आप सही से चार्जिंग करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, फास्ट चार्जिंग बेस्ट है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है तो आप लोग क्यों उसमें स्लो चार्जिंग कर रहे हो। तो फास्ट चार्जिंग करो, 20 वाट का लगाओ, कुछ दिक्कत नहीं आएगा, और इसमें आपको टाइप सी भी लग जाएगा, और अलग से कोई केबल वगैरह भी नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर आप लोगों को केबल खरीदना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये MFI सर्टिफाइड केबल है, मतलब आप इसको आसानी से आईफोन वगैरह में यूज़ कर सकते हो। ये USB-A है, मतलब आप 5 वाट या 12 वाट एडाप्टर के साथ लगा सकते हो। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप ये केबल ले सकते हो, ये सबसे कम में, फिर बाकी आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम वाला मैंने बता दिया और बेस्ट क्वालिटी है, तो आप लोग ये वाला ले सकते हो, नहीं तो मैं ये बताऊंगा कि आप लोग एडाप्टर लो, क्योंकि आप लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर लिया आईफोन में, आप ज़्यादा पैसे मतलब इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप लोग ये एडाप्टर लेकर काम ख़त्म करो, चार्जिंग का काम हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए आपको। और ये 12 वाट जिनको मतलब 5 वाट का चार्जर उनको फर्स्ट चार्जिंग चाहिए, तो
वो लोग 12 वाट का चार्जर यूज़ कर सकते हैं। 12 वाट मीडियम चार्ज करेगा, ज़्यादा फास्ट भी नहीं ज़्यादा स्लो भी नहीं, तो उनके लिए ये सही रहेगा जो पुराना चार्जर है उनके पास। तो अभी हम चलते हैं, चार्जर चार्जिंग का हो गया, अभी हम चलते हैं टेम्पर ग्लास। अब इतना महंगा फ़ोन खरीदे हो तो टेम्पर ग्लास जरूर लगाओगे। तो टेम्पर ग्लास मैं आप लोगों को दो टेम्पर ग्लास सजेस्ट करूँगा। एक आता है एपिक्स की तरफ से, एपिक्स ऑटो अलाइन टेक्नोलॉजी। यह टेम्पर ग्लास उन लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा कम है, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी पड़ेगी, क्वालिटी एकदम मस्त मिलेगा आपको। 700 रुपये में दो टेम्पर ग्लास मिल जाती है। इसमें आपको ऑटो अलाइन टूल भी मिल जाता है, जैसे ये केस देख रहे हो, केस के साथ आप लोगों को मतलब एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ टेम्पर ग्लास लगा सकते हो, कोई बबल वगैरह नहीं आएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो आप आईफोन 11 के लिए ये मिलेगा, ये सबके लिए मिलेगा, आईफोन 11, 12 मिनी, 12। तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से सर्च कर लेना, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो देख सकते हो आपको सब कुछ क्या क्या बॉक्स के अंदर मिल रहा है, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये जिन लोगों का मतलब ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते वो लोग इसको यूज़ करना, बेस्ट क्वालिटी मिलेगा और प्राइस भी ठीक ठाक है। 700 में दो पैक मतलब दो टेम्पर ग्लास मिल जाएगा। अब जिन लोगों के पास मतलब पैसे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते, तो मैं उनको एक बताऊंगा, स्पाइजन का टेम्पर ग्लास आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ स्पाइजन का, यह आपको लगभग पड़ेगी 900 रुपये में। ये बेस्ट क्वालिटी स्पाइजन कंपनी भी बहुत बढ़िया है, आप स्पाइजन का ये टेम्पर ग्लास लगा सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप लोग 700 रुपये मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा देकर अगर खरीदना चाहते हो तो आप लोग ये ले सकते हो, ये भी बेस्ट क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। ये एपिक्स वाला भी बहुत बढ़िया है 700 रुपये में, तो आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग 200 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हो तो आप लोग इसको ले लेना, अगर नहीं दे सकते तो ये भी बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बेस्ट टेम्पर ग्लास है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है बैक कवर। अब बैक कवर बहुत सारी आ जाती है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिल जाती है आपको, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो ट्रांसपेरेंट बैक कवर स्पाइजन की तरफ से आता है, ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, मतलब आपका पीछे का पूरा हिस्सा आप लोग देख सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ही चीज़ आता है जो ट्रांसपेरेंट बैक कवर में आती है, मतलब आप लोग इसको 2 महीने के बाद आपका ये जो बैक कवर है ना वो ऑटोमेटिक येलो टोन में चेंज हो जाएगा, मतलब येलो येलो हो जाएगा, तो इसमें आपका फिर फ़ोन का लुक एकदम ख़राब हो जाता है। तो जिनको बैक कवर लगानी है मतलब ट्रांसपेरेंट चाहिए, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा महंगा वाला लो, जैसे ग्लास बैक कवर लगा सकते हो ग्लास वाली, तो उसमें येलो टोन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आपको ज़्यादा बैक कवर में इन्वेस्ट नहीं करना, तो मैं आप लोगों को ये वाला सजेस्ट करूँगा। ये वाला आपको मतलब ये वाला देख सकते हो, ये आपको 400 रुपये में मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा, सिलिकॉन केस मिल जाती है। और इसमें आपको मतलब आपका आईफोन का जो लोगो है ना वो भी आपका कटआउट का सेक्शन बना रखा है, मतलब आप अपना आईफोन का लोगो भी दिखा सकते हो। तो ये वाला बैक कवर आप लगा सकते हो, इसमें आपको हर कलर का मिल जाएगा, जो आपको पसंद है वो लगा सकते हो, अपने फ़ोन के कलर के हिसाब से ले लेना। जैसे ब्लैक फ़ोन है पीछे का तो ब्लैक लगा लो, फिर वाइट लगा लो, ग्रीन लगा लो, रेड वगैरह जो मन करे वो लगा सकते हो, अपने फ़ोन के हिसाब से आप लोग ले सकते हो। आपको सब मॉडल मिल जाएगा, 11 का भी मिल जाएगा, 12 का भी मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा, SE XR सबका मिल जाएगा, आपको जैसा चाहिए ले सकते हो। और ये बजट में भी आ जाता है, 400 रुपये में बेस्ट है, तो आप लोग इसको ज़रूर कंसिडर करना। अगर आप लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप लोग इसको ज़रूर लेना, ये भी बहुत बढ़िया केस है, बैक कवर है, आप इसमें देख सकते हो, इसमें बढ़िया मिल जाता है, फुल प्रोटेक्शन मिल जाता है, अगर आपके हाथ से ड्रॉप भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो आप लोग इसको ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। फिर हम आते हैं लास्ट चीज़, जो कि है ईयरफोन। अब देखो अगर आप लोगों को वायर्ड ईयरफोन चाहिए तो मैं आप लोगों को एक ही ईयरफोन सजेस्ट करूँगा। आप लोग एप्पल का खुद का ये ईयरपोर्ट ले सकते हो, ये एप्पल का ही कंपनी है, मतलब खुद का ये 1800 के आसपास मिल जाएगा आपको, तो आप लोग इसको ले सकते हो अगर आपको वायर्ड वाला चाहिए। लेकिन आपको मतलब वायर वाला नहीं चाहिए, आपको मतलब जैसे ईयरपॉड का लुक होता है वैसा कुछ चाहिए, स्टाइलिश लुक, ईयरपॉड ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके सुन सकते हो, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप जिनको मतलब ईयरपॉड 2 या ईयरपॉड प्रो लेना है आप लोग ले सकते हो, फिर 15,000-22,000 का मिलता है ईयरपॉड प्रो वगैरह, तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो उसका अल्टरनेटिव मैं बता देता हूँ, आप लोग ये वाला ट्राई कर सकते हो, ये नॉइस का ईयरबड मिनी, ये 845 का मिल रहा है अभी फ्लिपकार्ट में,
तो ये देख सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया एकदम एप्पल एयरपॉड जैसे लुक है, और नॉइस का है मतलब साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया मिलेगा, और इसमें सब कुछ फुल टच कंट्रोल मिल जाता है, हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी मिल जाता है, मतलब आप जब इस बॉक्स के केस को ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, और जब इसको बॉक्स के केस को क्लोज करोगे तो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी मिल जाता है, ट्रू वेस टेक्नोलॉजी, और फिर 15 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है। तो आप लोग इसको जरूर देखना, ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें आपको सेम एयरपोर्ट जैसे लुक मिल जाएगा, उस जैसे केस मिल जाता है, और इसमें हाइपर सिंक लगा हुआ है, मतलब केस को खोलोगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगा, और बंद करोगे तो डिसकनेक्ट। ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। और इसमें आपका सी टाइप सपोर्ट होता है, मतलब सी टाइप चार्जिंग कर सकते हो इसके ऊपर, तो केबल वगैरह सब इसमें मिल जाएगा, टेंशन मत लो, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो यह भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप लोगों का मतलब हेडफोन या लगा कर सुनना है गाना वगैरह, और आप लोग हेडफोन में अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, 1800 रुपये में वायर्ड हेडफोन नहीं चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए, वायरलेस चाहिए, तो आप लोग इसको ज़रूर लेना। अगर आपको वायर्ड चाहिए तो मैं आप लोग को एक ही सजेस्ट करूँगा, आप एक एप्पल एयरपोर्ट ही लो, ये सबसे बेस्ट रहेगा, एप्पल का खुद का है तो यही लो। अगर आपको वायर्ड वाला नहीं चाहिए, वायरलेस चाहिए, तो आप लोग इसको ले सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया है। तो बस यही था कुछ इम्पोर्टेंट जो आप लोग न्यू आईफोन खरीदने के बाद ये सब मतलब चाहिए ही चाहिए, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर जितने भी आपको दिखाए प्रोडक्ट वगैरह, इसके ऊपर मैं डिटेल में अनबॉक्सिंग भी लाऊंगा और रिव्यूज़ वगैरह भी लाऊंगा। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, और जिससे कि आप लोगों को कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए, सबके टेम्पर्ड ग्लास, बैक कवर, ये नॉइस मिस ना हो पाए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। बस आज के लिए इतना ही, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।